गुनाह टैक्स के बाद कूड़ा टैक्स की गूंज, पंजाब हुकूमत की जानिब से कूड़ा टैक्स लगाए जाने की तजवीज। ओपोजिशन अराकीन पंजाब असेंबली ने टैक्सेस को गैर जरूरी करार दे दिया। कहते हैं टैक्सों के पैकेज को तब्दीली टैक्स के नाम से याद रखा जाए। हुकूमत आवाम को टैक्सों के बोझ तले मार देगी। हुकूमत गुनाह टैक्स और कूड़ा टैक्स के बाद पैदल टैक्स भी लगा दे। जो एक बहुत बड़ा टैक्सेस का जो मैं समझता हूँ कि पैकेज आ रहा है, इसको तब्दीली टैक्स के नाम से याद किया जाना चाहिए। आवाम बेचारी जो है वो उसने तब्दीली वो लेकर तो नहीं आई, लाने वाले तो कोई और थे, लेकिन उसके जितने भी टैक्स और जितने भी जुल्म हैं वो इंशाल्लाह आवाम ही बर्दाश्त करेगी। ये अभी मजीद टैक्सेस भी लगेंगे, अभी तो गुनाह टैक्स और कूड़ा टैक्स है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जो इनकी रविश है, मैं समझता हूँ कि ये आवाम को इन टैक्सेस के बोझ तले मार देंगे। ये बड़ी डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट चल रही है, इसको कुछ पता नहीं इनकी तरजीहात क्या है। पहले गुनाह टैक्स लगा दिए, फिर गुनाह टैक्स, अब कूड़ा टैक्स पे आगे से आगे पता नहीं कौन सी पैदल टैक्स लगा देंगे। डिलीवरेंस तो आपके पास है नहीं, गवर्नेंस आपके पास है नहीं, और लोगों के ऊपर टैक्सों का बोझ मजीद डालते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमती अराकीन असेंबली ने कूड़ा टैक्स को दुरुस्त करार दिया। कहा इस टैक्स से आवाम में सफाई के हवाले से शऊर आएगा, कूड़ा फेंकने वालों को जुर्माना भी किया जाएगा। ये आपका मुल्क है, इसको साफ रखना भी हमारा फर्ज बनता है, और सफाई निस्फ ईमान है। अगर थोड़ा सा कूड़ा टैक्स दे दिया और आपका कूड़ा उठाया जाएगा, इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। ये आवाम ऐसी है कि कूड़ा बाहर दरवाजे के ऊपर फेंक देती है। जब कूड़ा टैक्स लगेगा ना, तो इन्हें खुद होगा कि अंदर ही कूड़ा रख के हमने इसे किसी जगह पे पहुंचाना है, बाहर रखेंगे तो कूड़ा टैक्स तो लगेगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि पहले ही लग जाना चाहिए था, और ये इस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी बात है कि टैक्स पे करना चाहिए। ये लोग कितने अरसे से, कितने सालों से इस तरह से कर रहे हैं, अगर टैक्स प्रॉपरली पे होता तो ये नौबत ना आती। हुकूमती अराकीन ने कूड़ा टैक्स लगाने की भरपूर हिमायत की। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़।